कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के सांसद किशन कपूर ने कहा है कि विपक्ष द्वारा जो राजनीति की जा रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके दिल्ली से हिमाचल आगमन को लेकर विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों पर किशन कपूर ने कहा कि उन्होंने पूरी तरह से नियमों का पालन किया है। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के सांसद किशन कपूर ने कहा है कि विपक्ष द्वारा राजनीति की जा रही है जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके दिल्ली से हिमाचल आगमन को लेकर विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों पर किशन कपूर ने कहा कि 10 अप्रैल को वो आए थे और आज 13 मई है। एक महीने से अधिक समय के बाद वे मीडिया से मिले हैं और उन्होंने इस दौरान नियमों का पूरा पालन किया है। कपूर ने सभी से लॉकडाउन और सभी नियमों का पालन करने का आग्रह भी किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष द्वारा इस पर की जा रही राजनीति दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा बेटा 15 मार्च को हिंदुस्तान में आया था, वो होम क्वारंटाइन था, 27 दिन बाहर है। उसके बाद हम यहाँ 10 अप्रैल को आए और आप लोगों ने भी कई बार फोन किया, तो मैंने बोला मैं होम क्वारंटाइन में हूँ, मैं आपसे नहीं मिल सकता। तो 10 अप्रैल को हम आए थे, आज तारीख है 13, तो आज आप मिले हैं, तो 1 महीने 3-4 दिन के बाद मिले हैं। हमने पूरा पालन किया, मैं चाहता हूं कि लोग भी इसका पालन करें। विपक्ष जो इसमें राजनीति कर रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, विपक्ष को सहयोग देना चाहिए। जो सरकार अच्छे काम कर रही है, चाहे हमारे प्रदेश की सरकार है चाहे केंद्र की सरकार है, विपक्ष को उसमें सहयोग करना चाहिए ताकि हम इस बीमारी से लड़ें और इस बीमारी से उभरें। और हमें आगे की बात करनी चाहिए कि हम सुरक्षित कैसे रहें, ये बीमारी यहाँ से कैसे जाए, उसके लिए उनको भी सहयोग करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र की सरकार अच्छा कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज आज तक किसी ने नहीं दिया, इससे छोटे उद्योगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, साथ ही देश के किसानों व मजदूरों को भी फायदा होगा। भारत के इतिहास में ये पहली बार है 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज। अगर आप इतिहास के पन्ने पलट कर देखें तो इतना बड़ा आर्थिक पैकेज आज तक कभी भी नहीं दिया गया। ये हमारी टोटल जीडीपी का 10% है और इससे हमारे जो छोटे उद्योग हैं, जो गृह उद्योग हैं, जो मध्यम वर्गीय उद्योग हैं, उनको आगे बढ़ने का समय मिलेगा इस आर्थिक पैकेज के कारण। इससे किसानों को भी फायदा होगा, इससे मजदूरों को भी फायदा होगा, इस आर्थिक पैकेज से जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनको भी फायदा होगा, देश की आर्थिक स्थिति जो है उसमें 4 चांद लगेंगे। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से नृपजीत निप्पी की रिपोर्ट।